ईडी ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है और कड़कड़डूमा कोर्ट से 6 दिन की कस्टोडियल रिमांड हासिल की है। आपको बता दें कि ईडी ने धन शोधन और एंटी सीएए विरोध प्रदर्शनों की फंडिंग और फरवरी 2020 के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के आयोजन में उनकी भूमिका के लिए पीएमएलए की जांच के तहत कार्रवाई की है। एजेंसी ने दिल्ली दंगों और तबलीगी जमात मामले में पूछताछ के लिए ताहिर को तिहाड़ जेल से बुलाया था। ईडी के शीर्ष अधिकारियों के अनुसार ताहिर को पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल से दक्षिणी दिल्ली के खान मार्केट इलाके में ईडी के हेड ऑफिस लाया गया था। अधिकारियों ने कहा कि ताहिर से दिल्ली दंगों के लिए फंडिंग के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। उससे ये भी पूछताछ की जा रही है कि दंगों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए वो किस हवाला संचालक के संपर्क में थे। तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद के साथ उसके संबंधों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े धन शोधन मामले में 6 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उचित जांच के लिए ईडी के आवेदन को अनुमति प्रदान की। ईडी ने ये कहते हुए 14 दिनों की हिरासत का अनुरोध किया था कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे। अदालत ने हुसैन की हर 24 घंटे में चिकित्सीय जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। 22 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो कर्मी अंकित शर्मा की हत्या को लेकर दायर चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए ताहिर हुसैन को दंगे का मुख्य आरोपी माना था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमें अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।